देखो बच्चे, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करनी है। आपको स्क्रीन विजिबल है? मुझे एक बात बताओ पहले, जो मैं साथ के साथ लिख रहा हूँ वो आपको आपको दिखाई दे रहा, मुझे ये बताओ पहले। तो सबसे पहले दे रहा भैया, दिखाई ये साइड में लाइन आ गई कहीं कहीं। आप एनोटेशन आप बताओ। देखो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो सबसे पहले ना, एक दो दिन ना बहुत बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसके बगैर हमें एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, जो हमें एन फैक्टर निकालना होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं पहले इसे सीखते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे निकालनी, मेरे पास एक मोलिक्यूल है KMnO4, मुझे पोटाशियम पर, इसे बोलते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट, मुझे पोटाशियम पर मैग्नेट में Mn मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो कैसे निकालेंगे इसके लिए कुछ चीज़ें ना बहुत ध्यान से सुनेंगे कि ये कैसे निकालनी है। मैंने काफ़ी हिस्सा पहले डिस्कवर कराया आप लोगों को, इसके बारे में कराया है। देखो कैसे निकाल, देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन आता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, या तो +1 होगी या -1 होगी। 99.9% केसेस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। अब कोई आपसे पूछे सर -1 कब लेनी है, -1 तब लेनी है जब ये किसके साथ हो, या तो अल्कली मेटल के साथ हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ हो, या अल्कलाइन एग्जाम्पल के तौर पर। अगर ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर हाइड्रोजन इन में से किसी के साथ भी अगर अटैच है तो आप क्या लोगे, डायरेक्ट अटैच है तो क्या लोगे ऑक्सीजन स्टेट -1। एल्स अगर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, चलो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन है, चलो देखते हैं। देखो बेटा एग्जांपल के तौर पे आप देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या लोगे, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट या तो आप क्या लोगे -2, 99.9 केसेस में आप क्या लोगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट, 99% मतलब जब तक स्पेसिफाइड ना हो आप क्या लोगे, जब तक कोई एक्सेप्शन ना दिखे तो आप क्या लोगे हमेशा -2। इसके अलावा इसकी या तो -1 होती है या -1/2 होती है। -1/2 आपको रेयरली किसी चैप्टर में यूज करनी है, रेयरली, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्टेट आपको, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, सुपर ऑक्साइड। अगर किसी, अगर कभी भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है इसका मतलब सुपर ऑक्साइड है। और ये जनरली किसके साथ मिलता है, जैसे पोटाशियम पर, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के साथ, पोटाशियम के साथ हो तो इसकी हाफ होती है एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में कहीं। या फिर -1 पर ऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि अगर -1 ऑक्सीजन स्टेट अगर ऑक्सीजन की किसी केस में होगी ना तो वो अपने आप जो आंसर आएगा वो अपने आप आपको बता देगा कि इसकी आपको -1 लेनी है, उसे हम डिस्कस करेंगे कैसे। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेटल्स बचते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इनमें से रेयरली कभी ये एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे जब आप ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको पोटाशियम और सोडियम ही देखने को मिलता है। इनकी हमेशा ऑक्सीजन स्टेट +1 होगी क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैं। इसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, आपको 99.9% केसेस में आपको जनरली यही दो मिलेंगे और कोई इस चैप्टर में ऐसे यूज नहीं होगा। या बेरियम कई बार क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट हो गया +2। क्या लोगे आप +2 और इनकी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से क्या लोगे आप +1। अब देखो बेटा निकाल के देखते हैं, कुछ सीखते हैं कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका KMnO4।
KMnO4। हमें निकालनी है मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट, तो बताओ क्या होगा। देखो जिसकी निकालनी है उसे x कंसीडर करना। अब आपको पता है पोटेशियम कौन से ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। मैंने अभी बताया आपको लिथियम सोडियम पोटेशियम की हमेशा क्या होगी, प्लस वन। तो पोटेशियम कितनी है, प्लस वन प्लस x। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर। और एक ऑक्सीजन की कितनी बताई मैंने, माइनस टू। इक्वल टू जीरो, जब तक इसमें कोई चार्ज ना हो इक्वल टू जीरो बुक करना। पूरी केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैं आपको सिखाऊंगा, जब तक कोई चार्ज इस पर नहीं दिख रहा हो इक्वल टू जीरो बुक करो। मैं आपको बताओ अब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से बताओ जल्दी से कितनी आएगी। कॉपी साथ लेके बैठो और जो डाउट है वो साथ के साथ पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। सेवन आएगी भैया। ठीक है शाबाश। ठीक है ओके। अब मैंने आपको बोला जैसे सल्फर सल्फेट, इसका नाम क्या पहले तो सल्फेट, क्या नाम है इसका, सल्फेट। अभी आपको समझ में आया बेटा, अभी अभी आपको आवाज आ रही मेरी, फोन करके तो नहीं छूट गया भैया यो। चलो देखते हैं ओके। देखो मैंने बोला सल्फेट की बताओ, देखो जिसकी निकालनी है उसे x मान लिया, प्लस 4। ऑक्सीजन कितने, देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है यहाँ पर। अरे ऑक्सीजन कितनी है, माइनस 2। अब देखो यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज कितना है आपका, माइनस 2। कितना चार्ज यहाँ पर, माइनस 2। तो क्या लेंगे इसे, इक्वल टू माइनस 2। तो बताओ आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस 6। प्लस 6 आएगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमें निकालना ऑक्सीडेशन या हो रहा है रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम निकालने तो हमें पहले ये पता तो होना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बिना ऑक्सीडेशन स्टेट के हम ये बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, हम बता ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूँ, आप वन बाय वन की लिस्ट कॉपी पे साथ के साथ मुझे बताओगे, जो नहीं निकलेगा उन्हें डिस्कस करेंगे। एक लिस्ट बना रहा हूँ जल्दी से देखो। MnO4- में जिनके अंडरलाइन कर रहा हूँ जिन्हें मैं, उनकी निकालोगे। MnO4- Cr2O7-। ये टॉपिक दोबारा फिर आएगा बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ डी एंड एफ ब्लॉक में तो रुला देगा, अगर ये टॉपिक अगर ये डिलीट नहीं हुआ तो डी एंड एफ ब्लॉक में फिर बैलेंसिंग आएगी, वहाँ पर फिर परेशान करेगा आपको, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। जो डाउट सब पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोशिश ये रहेगी। भैया जो आप लिखवा रहे हो ये कॉपी में नोट करने के लिए है क्या? हाँ हाँ कॉपी में नोट करोगे साथ के साथ करते रहो नोट आपको, कॉपी साथ के साथ ये वाला भी करें। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी सीट निकालोगे दिखाओगे मैं आपको क्रोमियम की, बिल्कुल एक प्रॉपर सिंथेसाइज नोट बनाओ ताकि जब बाद में करना पड़े तो दिक्कत ना हो। मैं दोबारा लिखवा देखो नोट्स में, देखो अब ये जो टॉपिक मैं आपको करा ये नोट्स में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये टॉपिक आपका 11th का है। ठीक है ना, ये टॉपिक जो हम दो तीन दिन हम करेंगे बहुत बेसिक जीरो लेवल से उठा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने लेवल बिल्कुल नहीं पढ़ी। ठीक है नेक्स्ट, CHCl3 में कार्बन की बताओ, CCl4 में कार्बन की, SO42- की हमने कर लिए लेकिन फिर भी एक बार लिख लेना, SO32- की, उसके बाद H2SO4 में सल्फर की, H2SO3 में सल्फर की, NO3-, NO2-, HNO3, HNO2, भैया ये जो NO3- और NO2- इनमें N की निकालनी है, नाइट्रोजन की। हाँ नाइट्रोजन की, रेयरली कभी ऑक्सीजन की निकाल लोगे आपको, रेयरली इस चैप्टर में ऑक्सीजन की शायद ही आपको निकालनी पड़ेगी। हमारा टॉपिक ना अगर एक सिंगल टॉपिक होता है ना पूरे एक घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिलेबस कंट्रोल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जितना करेंगे उतना सीखना है,
ज्यादा नहीं करना, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में मुझे पता बहुत ज्यादा बर्डन होगा, जितना करेंगे बहुत लिमिटेड करेंगे। चलो बताओ BSCHCl3 का बताना, पहले एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आप निकाल लो जिसका नहीं हो रहा छोड़ दो, एक एक सिंगल डिस्कस सिंगल करके करते चलेंगे फिर बताना। ये मैंने शायद जब मैंने बिल्कुल 18 तारीख से बैच शुरू किया था उस टाइम पे मैंने एक हफ्ते के लिए बेसिक कराया था, उस टाइम पे मैंने कराया था आप लोग, मैंने बोला था कि जब हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे टॉपिक करेंगे तो दोबारा फिर कराऊंगा मैं, कि जो बच्चे नहीं आए कम से कम। और हो क्या भैया यो? नहीं अभी करोगे मेरे साथ के साथ, कॉपी में करो साथ के साथ, तो बताओ तो करे नहीं रहे क्या? नहीं कर रहे MN की बताओ जल्दी से बेटा कितनी आई? देखो MN की निकालनी है, x मान लिया 7 आई भैया, प्लस 7 -2 ठीक है। देखो इस पे माइनस चार्ज है ना, इक्वल टू -1 पुट कर दे तो x की वैल्यू कितनी है यहां से, x प्लस x -8 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 7। किसकी नहीं निकली मुझे ये बताओ सिर्फ, वो मुझे वो बेचारे एक बार बोल के बताओ जल्दी से जिसकी नहीं निकली, मैं दोबारा समझाया था। फोर्थ भैया नहीं निकली, दोबारा बताओ फोर्थ का बताना, फोर्थ बाकी तो होगी। देखो अब यहां पर क्रोमियम की निकालेंगे, क्रोमियम कितने 2 है तो हम क्या लेंगे 2x। अभी बेटा आपको क्लास में या अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको? बस मेरी आ रही है भैया, आ रही है। इसकी पता फिर जल्दी से क्रोमियम में कितनी आई, CR का मतलब क्रोमियम 6 आई। शाबाश, कितना रखेंगे इक्वल टू -2, x की वैल्यू कितनी आई यहां से प्लस 6 प्लस निकली कैसे दोबारा, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू प्लस 6। भैया हाँ बोलो, जो फोर्थ वाला है उसमें हाइड्रोजन की वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल 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 आराम से, उसी पे आराम से, प्यार मत टेंशन, आराम से प्यार बताओ जल्दी से, ठीक उसी पे आराम जल्दी से बताओ। SX 6 6 थर्ड की भी 6 थर्ड की भी 6 आई, देखो कैसे आई, x प्लस 4 -2 इज इक्वल टू -2, कितना है x की वैल्यू यहां से प्लस 6। अब देखो ध्यान से कितनी आनी चाहिए, देखो x की वैल्यू कार्बन x हाइड्रोजन प्लस 1 प्लस 3 क्लोरीन। अच्छा देखो एक बात बोलो, फ्लोरीन जितने भी हैलोजन से ज्यादातर जितने भी हैलोजन है इनकी आप क्या लोगे -1। अब ये हैलोजन क्या चीज है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मींस फूलों की बाहर आई, याद कराया था मैंने आपको क्या बोलते हैं हैलोजन, फूलों की बाहर आई इस तरीके से याद होगा, -1 is equal to 0, कितना आंसर? टू is equal to, वेरीफाई करते हैं क्या हमारा आंसर यहाँ आना चाहिए। देखो अगर किसी आंसर को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसका स्ट्रक्चर बताओ अगर आपको आइडिया हो, क्लोरोफॉर्म का, ये क्लोरोफॉर्म बेटा ठीक है, देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे बताओ, कार्बन और क्लोरीन के अंदर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे बताओ जल्दी से, कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे -1 दे दो, जो कम इलेक्ट्रॉन जो कम है उसे +1 दे दो। एक बॉन्ड क्लीव करो, देखो बॉन्ड क्लीव करी कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड क्लीव करी तोड़ी, तोड़ने के बाद कार्बन को +1 क्लोरीन को -1, इसी तरीके से इस बॉन्ड को क्लीव करते हैं इसकी -1 +1, इस बॉन्ड को क्लीव करा -1 +1। यहां तक किस बच्चे को डाउट है जल्दी से बताओ मेरे को, यहां तक किस बच्चे को डाउट है जल्दी से बताओ मेरे को, रीवा रिया बेटा आपको, आयुष नहीं भैया नहीं है डाउट, नहीं भैया नहीं समझ रहे ना थे भैया, दोबारा बताओ। देखो
दोबारा से इस बॉन्ड को लिखिए, मुझे बताओ कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन, कौन है? कार्बन। तो कार्बन को माइनस वन देंगे, हाइड्रोजन को प्लस कर। अब चेक करो कार्बन पे कितना चार्ज आया टोटल, प्लस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन, कितना आया टोटल? प्लस टू आया आंसर, प्लस टू। तो मतलब हम ठीक कर रहे हैं, हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आंसर कितना आया इसका, कितना आंसर आया? प्लस टू। सीसीएल फोर का बताओ, सीसीएल फोर का बताओ जल्दी से मेरे को। फोर बताओ भाई, और बाकी भी सभी ट्राई करो बेटा, स्क्रीन पे मत देखो, हाथ पैर चलाओ, मतलब पैर नहीं चलाने, हाथ चलाने सर जल्दी से। तो ये फाइव आ रहा है, फाइव आ रहा, चेक करते देखो। कार्बन को एक्स मान लियो, क्लोरीन कितने हैं? फोर। एक क्लोरीन की ऑक्सीजन कितनी होगी? माइनस वन। क्या कोई चार्ज दिखाई दे रहा आपको? नहीं, तो क्या रख देंगे? जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? प्लस फोर। हाँ फोर। फाइव किसकी कैसे आई आपकी? हाँ वो भैया इक्वल टू में बन रख दिया था मैंने। अच्छा ऐसे कैसे रख दिया, कोई चार्ज तो है ही नहीं। हाँ पता चला, इसको बताओ, बताओ ये सिक्स, सिक्स। ओके कैसे निकाला? एक्स प्लस फोर माइनस टू, अभी निकाली थी लोगों ने अभी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? एक्स इज इक्वल टू प्लस सिक्स। इसकी बताओ या फोर। फोर शाबाश। एक्स प्लस थ्री। वरुण आपको समझ में आ रहा है कुछ? हाँ भैया। नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, डाउट में पूछ लेना ठीक है ना। चलो ओके, इसके बताओ कितने भैया, पूछ ले, बताओ जल्दी से इसका बताओ। सिक्स। सिक्स भैया, सिक्स आया। हाँ कैसे आया? देखो हाइड्रोजन कितना लेंगे, टू इंटू प्लस वन, टू इंटू प्लस वन प्लस एक्स प्लस फोर इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? प्लस सिक्स। इसकी बताओ जल्दी से। फोर। फोर भैया। मुझे आपको ना यहाँ से ना एक कंक्लूजन बताना था एक्चुअली, मैंने इसलिए निकलवाई है। देखो H2SO4 जब डिसोशिएट होता है किसमें टूटेगा? दो H प्लस में, और किसमें निकलेगा? SO4 2 माइनस में। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें ऑक्सीजन कितनी है? प्लस सिक्स। सल्फर की कितनी है? प्लस सिक्स। क्या कोई चेंज हुआ? क्या कोई चेंज हुआ ना? ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, ध्यान रखना इसके लिए। सेम ऑक्सीजन स्टेट होती है ये, मुझे आपको कंक्लूजन यहाँ से ये बताना था। जब डिसोसिएशन हो जाती है किसी सब्सटेंस की तो उसकी स्टेट सेम रहती है। नेक्स्ट बताओ। फाइव। ठीक है, माइनस वन रखेंगे इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? प्लस फाइव। बताओ भाई कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा स्क्रीन आपको साथ के साथ दिखाई दे रही है, कुछ लेट आ रही है स्क्रीन? साथ के साथ दिखाई दे रही है भैया। किसी बच्चे की लैगिंग में है कि कुछ टाइम के बाद आ रही है स्क्रीन लिखने के बाद? नहीं, बता देना मेरे को अगर कोई दिक्कत है तो। ओके एक्स प्लस टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? थ्री। अब आप चेक करके देखो, वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप वेरीफाई करो क्या आंसर सेम आएगा यहाँ से। हाँ जी सेम आ रहा है। यहाँ पर कितना है वैल्यू? प्लस फाइव। यहाँ पर कितना आया? प्लस थ्री। अच्छा यहाँ बताओ कितनी आएगी? माइनस टू। अभी कितने आएगी बेटा? निकाल रहा हूँ एक सेकंड। हम्म, निकाल रहा हूँ भैया एक सेकंड। अच्छा देखिए, निकालने से पहले एक चीज, एक स्टेटमेंट समझ मेरी, पहले निकालने से पहले एक चीज देख, पहले ध्यान रखियो, अगर किसी कोई ऐसा आयन है, अगर अगर कोई आयन है जिसके पास कोई चार्ज है, ध्यान सुनो, जिसके पास कोई चार्ज है
ध्यान सुनना, जिसके पास क्या है कोई चार्ज है, अकेला एटम पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो कितनी होगी इसकी -2 है ना। जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया N3-, मैं बोलूं नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, जो इस पे चार्ज है वही वही इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। हां अभी बेटा सुन नहीं, हां जी चलो, तो S2- कितना होगा -2, SO2 में कितनी आएगी 4 प्लस, कैसे निकाली एक्स टू इंटू माइनस टू फोर आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 4, इसमें बताओ एक्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6। कोई डाउट है यहाँ पे जल्दी से बताओ। नहीं भैया नहीं। हाँ बेटा पूरे ग्रुप में अगर किसी एक बच्चे को भी डाउट हो तो मुझे बताओ जल्दी से, फिर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, जल्दी से बता दो। नहीं है नहीं है नहीं है भैया, जल्दी से बता दो, कोई फिर भी कोई बच्चा है तो बताओ जल्दी से। अब ध्यान से सुनना, मैं जो नया नया कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, इनको या तो अलग से रखना, ये है वो जो एक्सेप्शनल है जिनमें आपका आंसर गलत आएगा जब आप नॉर्मली निकालोगे, ये मैं पूरी केमिस्ट्री के एक साथ निकलवा रहा हूँ जिनके गलत आएंगे। आपके सिलेबस में तो मेनली यही है, बाकी और भी बहुत सारे, लेकिन इन्हें ध्यान रखना। हाँ बेटा यहाँ पर सल्फर की निकाल के बताओ जल्दी से, क्रोमियम की और यहाँ ऑक्सीजन की, बताओ बेटा जल्दी से। सल्फर की 8 आई फर्स्ट में। अच्छा देखो अभी आप कितने बेटा निकाल रहा हूँ भैया, एक सेकंड बस, एक निकाल दो। आयुष आपकी निकाल रहा हूँ भैया, एक मिनट रुको। 8 आई है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप, सही 8 आ रही है ठीक है। अगले की बताओ, पुलकित आपकी निकल रही बेटा 7 आई है भैया। हाँ जी सेकंड में 7 आ रही है। इसकी बताओ 10 भैया। अदा भैया सागर तेरे को जियो। हाँ सागर भाई बता, सागर को मैं भूल गया था, सागर ने अच्छा शुरू में सागर के साथ ही बात करी थी मैंने, माइक टेस्टिंग तो सागर के साथ ही की थी मैंने। चलो हाँ बताओ सागर, बताओ सागर बताएगा नेक्स्ट लास्ट की, सागर बताएगा। चलो एक मिनट जो मैं बता रहा हूँ मेरी एक मिनट ना हो भाई। इशिता आपकी बेटा आई नहीं भैया मेरी, तो क्रोमियम की निकाल दे 6 आएगी क्रोमियम, क्रोमियम की 6 कैसे आई, एक्स 10 ऑक्सीजन की -2 होती है इज इक्वल टू 0, फेज की 6 होती है, 6 किसकी, क्रोमियम की 6 होती है इसमें भैया, पहले की 6 आएगी। अच्छा पहले की 6 आएगी, कैसे आएगी 6 ये तो बताओ फिर, ये इसका स्ट्रक्चर खोल कराया था भैया, स्ट्रक्चर के साथ इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं यही जब भी सल्फर की ध्यान रखना, जब भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 से ज्यादा आ जाए इसका मतलब आंसर गलत है, या क्रोमियम की प्लस 6 से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा आंसर गलत, और जब भी गलत आंसर आए तो ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है हमेशा प्लस 6, मैंने आपको बताई थी पूरी क्लास में ठीक है ना। अब ये कैसे आई एक बार डिस्कस करते हैं बेटा, देखो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर बेटा वो ये है, देखो ये स्ट्रक्चर है H2SO4, किसका स्ट्रक्चर है ये H2SO4 ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या लिखा H2SO5, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज हो गया है, क्या हो गया है परऑक्साइड लिंकेज, कैसे निकालो देखो मुझे बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव, अभी ध्यान सुनना बेटा एक बार, ये पायल बेटा ध्यान सुनना एक बार इसे भी, देखो इसकी -1 इसकी +1। अच्छा मुझे बताओ ये दोनों तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इन दोनों में आपस की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इस बॉन्ड के लिए कितना चार्ज आएगा, इस पे -1 इस पे +1
प्लस वन ये क्लियर हुई। ऐसे ही सेम इस तरीके से यहाँ पर इस बॉन्ड को क्लीव किया माइनस वन प्लस वन, इस बॉन्ड को क्लीव किया माइनस वन प्लस वन। बताओ ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? अच्छा देखो यहाँ पर एक भैया क्लीव, हाँ बोलो। हमें सिर्फ सल्फर का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ तो फिर सल्फर वाली बॉन्ड तोड़ते हैं सिर्फ, बाकी को छेड़ रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन हमारे पास ऐसे हैं जिन पे माइनस वन है, तो बाकी के जो ऑक्सीजन पे माइनस टू है। ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि हमने जो गलती करी है कैलकुलेशन, क्या गलती करी आप लोगों को सर भाई? आपने सभी ऑक्सीजन को माइनस टू लिया है ना यहाँ पर, आपने जब ये आंसर निकाला प्लस टू प्लस एक्स ये निकाला भाई, वन टू इंटू प्लस वन किया अभी, और फिर ये क्या किया फाइव इंटू माइनस टू। आपने क्या किया, पांच ऑक्सीजन की पांचों ऑक्सीजन स्टेट क्या ले लिया आपने, माइनस टू। यही गलती करी, मुझे ये समझाना था आपको यहाँ पे, ये गलती करी आप लोगों ने यहाँ पे। एक्चुअली सिर्फ तीन ऑक्सीजन है जिनकी माइनस टू है, बाकी दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी माइनस वन है, मुझे ये प्रूव कराना बेटा। देखो अब आंसर, मैंने एक बॉन्ड क्लीव करी यहाँ से माइनस वन प्लस वन, दूसरी बॉन्ड तोड़ी माइनस वन प्लस वन, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बॉन्ड क्लीव करी, मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ क्लीव माइनस टू प्लस टू। चेक करो नेट आंसर क्या आया, चेक करो नेट आंसर क्या आया, नेट पॉजिटिव चार्ज कितना आया सल्फर पे? सिक्स प्लस सिक्स एक्स की वैल्यू प्लस सिक्स आया भैया। हमने गलती क्या करी यहाँ पे, एक्चुअली हमने गलती ये करी, जो दो ऑक्सीजन ये वाले ना इन पे माइनस वन थी और हमने इन पे भी क्या ले ली माइनस टू, तो इसको एक्चुअली ऐसे लिखते हैं H2SO3O2, इसको ऐसे लिखना चाहिए था हमें। जिसमें से क्या है हमारे पास 2 इंटू प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 ऑक्सीजन तो ऐसे थे कि माइनस टू है और दो ऑक्सीजन ऐसे थे कि माइनस वन है इक्वल टू जीरो। मुझे ये बताओ ये बात किसे समझ रही है, जल्दी से बताओ, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। क्लास देखो बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो अगर मैं हर बच्चे का नाम लेके बार बार पूछूंगा ना तो वो अच्छा ना तो आपको लगेगा और उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम होगी हमारी, तो इसलिए अगर किसी को डाउट होती है ना आप मेरे को वहीं रोक दो कि सर दोबारा बताओ, मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे। सोच के देखो मैं ऑफलाइन क्लासेस में कभी नहीं चला, ऑनलाइन क्लास में तो मैं वैसे भी नहीं चलूंगा बेटा, जब तक आप मेरे को ये नहीं बोलोगे सेटिस्फाई कि सर हाँ हम सेटिस्फाई होंगे इस बात से। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई भरोसा करो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि मोल कंसेप्ट से समझ में नहीं आया ना, पूरा चैप्टर निकल जाएगा लेकिन काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ये सेम बेस है, ये नींव है चैप्टर की, ध्यान रखना, जो मैं तैयार कर रहा हूँ आपको इलेवंथ वाला टॉपिक सब जाके। बोलो बेटा किस बच्चे को डाउट है जल्दी से बोलो भैया के, चलो आगे। हाँ भाई गर्ल्स नहीं है भैया, आगे आ गया रिया बेटा आपको? हाँ आ गया। चलो ओके, आपका क्या नाम? तान्या बेटा आपको? आ गया भैया। और बायो गर्ल क्या नाम था? इशिता, इशिका, इशिता या इशिका, मेरे को नाम भी नहीं, निशिता, निशिता, निशिता भैया। चलो आ गया भैया। अब देखो इसी तरीके तो इसका आंसर यहाँ से x निकालो कितना आएगा आपका आंसर प्लस सिक्स, ये रीजन है जो हमारा तो प्लस एट आंसर क्या हमारा गलत। इसे बड़े बड़े अक्षर में काटा लगाना ताकि याद रहे दिमाग में चमके, ये पी ब्लॉक में दोबारा फिर आएगा, पी ब्लॉक में दोबारा फिर आएगा क्योंकि पी ब्लॉक में 16th ग्रुप आपके सिलेबस में है, वहां पर एनसीईआरटी खोल के देखना वहां पर भी है दोबारा से, ये तो पीछा नहीं छोड़ेगा। इसमें निकालो क्लियर हो बेटा, ये आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना H2SO H2S2O8 को देखना, भैया जो ये H2SO5 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, इसलिए भी हो सकता है कि इसने 6 बॉन्ड बना रखी है। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन रीजन ये नहीं हो सकता, रीजन क्या देखो उसके पीछे की रीजन। अभी आपका ना आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेरे को अच्छा लगा कोई तो बच्चा जो सोच पा रहा है ऑनलाइन क्लास में। देखो अगर मैं आपका आंसर ये ठीक मान लूँ ना बेटा, अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि सर ये 6 बॉन्ड बना रहा है इस वजह से इसका आंसर प्लस 6 है, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर ये कितनी बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे
चार तो प्लस चार आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। अभी हमने निकाला कितना आंसर आया था इसका हमारा, समझ में आ गई बेटा? प्लस टू, समझ में आ गई बेटा? तो ऐसा बोल नहीं सकते हम। भैया फिर बताइए एक बार इसमें प्लस टू कैसे आया। मुझे रोक लो, आगे मत चलने दो, मेरे को बहुत खुशी हुई कि कम से कम एक बच्चा ये सोच के मेरे से दोबारा पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि मुझे ये पता है अभी तो ये यहाँ पूछ रहा है, वहां जाके ये दोबारा से पूछे उसमें दिक्कत होगी, इसलिए कह रहा हूं दोबारा मुझे वहीं रोक लो, स्टॉप कर लो मुझे वहां कि भैया नहीं। देखो आगे देखो बेटा, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मुझे बता दो, जैसे कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। तो माइनस वन क्लोरीन, इस पे प्लस वन, इस बॉन्ड को क्लीव किया इसको भी माइनस वन इसको भी प्लस वन, इस बॉन्ड को क्लीव किया माइनस वन प्लस वन, लेकिन क्या इस बॉन्ड को क्लीव करने के बाद इस पे प्लस वन आएगा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? हाइड्रोजन, इस पे कितना आएगा? प्लस वन, इस पे कितना आएगा? माइनस वन। नेट चार्ज देखो, नेट चार्ज एक्चुअली कार्बन के इलेक्ट्रो, क्लोरीन तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, लेकिन कार्बन खुद हाइड्रोजन ये भी खींच रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा, मैं किसी को ब्लड डोनेट कर रहा हूँ साथ के साथ, लेकिन किसी से ले भी रहा हूँ, ये मतलब है। तो यहाँ पर आंसर कितना है नेट हमारे पास, फॉर्मल चार्ज कितना है? प्लस टू। ये सर नहीं कुलकित बेटा, कुलकित आ गया भैया, आ गया। अच्छा क्या नाम था, हर्ष नहीं है क्लास के अंदर? नहीं भैया। वो क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, आता हूँ अभी, एक दो दिन कह रहा था वो नहीं आए, आज शादी है शायद घर पे। शादी इम्पोर्टेंट ज्यादा हो रही है बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज क्लास मत मिस करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अब देखो उस बच्चे को अगर उसी स्टेट निकालनी नहीं आई ना, बहुत सफर करेगा वो, फिर बच्चे को लगता है कि हमें सर का समझ में नहीं आ रहा, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें बेसिक नहीं पता होता। देखो इधर कैसे, ये भी थोड़ी देर पहले किसी ने ग्रुप भी लीव करा था। कोई नहीं, वो लड़का तो नया था, नया स्टूडेंट आया था एक्चुअली, उसने मेरे को ऑफलाइन के लिए बोला था, फिर मैंने उसे मना कर दिया था, तो इसलिए शायद इसलिए मैंने उसे बोला था ऑनलाइन का डेमो ले लेना अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, तो फिर उसने शायद मेरे को बोला नहीं सर मैं ऑनलाइन हुआ तो नहीं प्रेफर करूँगा, ऑनलाइन सभी कर रहे हैं, ऑनलाइन तो मैं कहीं और भी कर सकता हूँ। मैंने बोला इज़ योर विश। देखो बेटा हमारी मजबूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद नहीं चाहता था, मैं खुद क्लास लेने आया था कल, लेकिन गड़बड़ हो गई थी इस वजह से। देखो इधर इस केस में निकाल के बताओ मुझे, इस सल्फर पे निकाल के दिखाओ, अभी निकाल के बेटा मेरे सल्फर पे उससे सेट 7 आई भैया। 7 कैसे आई? 7 तो नहीं आनी चाहिए, नहीं इससे उस फॉर्मूले से, फॉर्मूले से भैया 6 पॉजिटिव चार्ज आया। बेटा एक बार देखो, ध्यान सुनना एक बार, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? माइनस वन, इस पे कितनी आएगी? प्लस वन। इस बॉन्ड को क्लीव किया कितना आया? माइनस टू, इस पे कितना आया? प्लस टू। इस बॉन्ड को क्लीव किया माइनस वन, सॉरी माइनस टू, इस पे कितना आएगा? प्लस टू। इस बॉन्ड को क्लीव किया कितना आया? प्लस वन माइनस वन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उसको माइनस वन दे देंगे। अच्छा माइनस, कभी ऐसा नहीं होगी एक को माइनस टू दे दिया, नहीं, एक बॉन्ड के लिए एक माइनस वन होता जाता है, ठीक है? तो मुझे बताओ इसमें कितना आंसर आया, क्या आंसर आया इसमें? 6। कितना आया? 6। इस पे कितना आंसर आएगा? इस पे भी कितना आ जाएगा चेक करके देखें, इस पे कितना आएगा बताओ तुम मुझे, इस पे कितना आएगा? इस पे भी 6 आया भैया। इस पे भी 6 आया। अब मुझे बताओ आपके पास कितने सल्फर है? 2। एक सल्फर में कितना आया? 4 प्लस 6 6, ठीक है ना? अच्छा टोटल है, और आपने देखो टोटल प्लस 6 12, पर है कितने सल्फर? 2। कितना आएगा? प्लस 6, सॉरी, ठीक है, क्लियर नहीं बात का? भैया अगर दोनों वो पे अलग अलग चार्ज आता और डिवाइड बाय 2 करते डेसिमल में आ जाता। शानदार क्वेश्चन है, इसका भी जवाब दूंगा तेरे को मैं, एक क्वेश्चन देके समझाता हूं, पहले से देख एक बार। देखो वरुण, देखो बेटा इस दो बॉन्ड क्लीव करी तो 2 माइनस 2 तो 2 प्लस 2 आया, ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है। एक बॉन्ड तोड़ी माइनस 1 प्लस 1,
फिर दो बोन तोड़ी माइनस टू प्लस टू, एक बोन क्लीव करी कितना आया माइनस वन, माइनस वन प्लस कितना आया इसमें प्लस सिक्स। अब दो सल्फर पे कितना आया प्लस ट्वेल्व, तो हमें तो एक के लिए निकालना है भाई, टू एक्स पे कितना आया, टू एक्स पे कितना आया आपका प्लस ट्वेल्व, तो एक्स पे कितना जाएगा प्लस सिक्स। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो इसका क्या मतलब है, एक्चुअली जो बीच में दो ऑक्सीजन ऐसे, देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगी हमेशा इस लिंकेज को, इसमें हमेशा बॉन्ड कैसे ऑक्सीजन आएगी माइनस वन माइनस वन, इस बॉन्ड को बोलते हैं परोक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं, परोक्सी लिंकेज या परोक्साइड लिंकेज, परोक्सी लिंकेज या परोक्साइड लिंकेज। भैया हाँ बोलो, एक मिनट से भी कम रह गया तो फिर टॉपिक खट जाएगा, चलो दोबारा कर लो मीटिंग। ठीक है ओके।